संजय दत्त के आने वाली मूवी शेर सरमन मुंजा जाडेजा की जिंदगी पर आधारित है। उस फिल्म में संजय दत्त गैंगस्टर सरमन मुंजा जाडेजा का किरदार निभाएंगे। आपको बता दें कि गुजरात के पोरबंदर जिले में सरमन मुंजा जाडेजा को रॉबिन हुड के नाम से माना जाता है। पैसे से तो वह एक गैंगस्टर था, पर गरीबों के लिए उनका मसीहा था। मुंजा परिवार के 80 के दशक में पोरबंदर और सौराष्ट्र के कई शहरों में ज़बरदस्त ताक थी। उसी वजह से बड़े बड़े नेता भी इलेक्शन में जीतने के लिए उस परिवार का सहारा लेते थे। सरमन मुंजा जाडेजा के गैंगस्टर बनने की कहानी किसी मूवी की स्टोरी से कम नहीं है। शुरुआती दिनों में सरमन मुंजा जाडेजा एक आम आदमी की तरह फैक्ट्री में मजदूर की तरह काम करता था। उन्हीं दिनों मजदूरों की किसी बात को लेकर स्ट्राइक हो गई थी। मिल के मालिक ने उस स्ट्राइक को ख़त्म करने के लिए स्थायी गैंगस्टर को हायर किया था। गैंगस्टर ने अपने आदमियों के साथ मिलकर मजदूरों को पीटने तथा धमकाने लगा। उसके बाद सरमन मुंजा जाडेजा ने गुस्से में आकर उस गैंगस्टर को मार दिया और उसके साथ ही शहर में नए डॉन का जन्म हुआ। उन दिनों पूरा इलाका सरमन के नाम से कांपता था। वहीं उसकी पत्नी साधारण हाउसवाइफ की तरह रह रही थी। कई सालों तक पोरबंदर पर राज करने के बाद वर्ष 1986 में सरमन जाडेजा ने जुर्म के रास्ते को छोड़ देने का फैसला किया और ईमानदारी की राह पकड़ ली थी। सरमन ने तो ईमानदारी की राह पकड़ ली थी, लेकिन उसके काले इतिहास ने उसका साथ नहीं छोड़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप उसी साल सरमन के दुश्मनों ने उसकी गोली से भूनकर हत्या कर दी थी। उसके बाद सरमन के दुश्मनों ने उसकी पत्नी को डराने तथा धमकाने का काम शुरू कर दिया था। उसके बाद संतोष बेन ने अपने बच्चों और अपने परिवार को बचाने के लिए हथियार उठा लिए थे और निकल पड़ी अपने पति की हत्या का बदला लेने। संतोष बेन ने अपने पति की गैंग को फिर से एकजुट किया और कुछ ही दिनों में संतोष बेन का खौफ पूरे जिले में फैल गया था। संतोष बेन ने अपनी गैंग की मदद से उन 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जिन पर उसके पति की हत्या करने का शक था। उसी लेडी गैंगस्टर की इमेज के साथ संतोष बेन ने सन 1989 के चुनाव में पार्टिसिपेट किया और जीत दर्ज की। संतोष बेन ने एक दशक से ज़्यादा राज किया था। उसी दौरान संतोष बेन को जेल भी जाना पड़ा था। कई सालों तक राज करने के बाद अप्रैल 2011 में संतोष बेन की हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो दोस्तों, ऐसी है सरमन मुंजा जाडेजा और उनकी पत्नी संतोष बेन सरमन जाडेजा की स्टोरी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।